मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो भाई। घंटे ने सॉरी बाबर ने, किंग बाबर जो कि सिलिकॉन का है लेकिन जैसा भी है भाई किंग है, उसने सेंचुरी मार दिया बहुत जबरदस्त। और मैं बोलूंगा हेटर्स के मुंह पे तमाचा। बाबर की सेंचुरी। अबे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान दोबारा आजाद हो गया, 1947 दोबारा आ गया। अबे इतनी खुशी, अबे तुम लोग को एक सेंचुरी से मेरे पाकिस्तानियों, यार हमारी यही औकात रहेगी कि बाबर की एक सेंचुरी पे इतनी खुशी के भाई दोबारा जैसे पाकिस्तान आजाद हो गया। बाबर की सेंचुरी के ऊपर पता नहीं ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया बाबर ने, ऐसी कौन सी जंग फतेह कर ली, वो कौन सा कोई वॉर फतेह कर ली भाई उसने। मुझे बताओ कि आप लोग इतनी ज्यादा खुशी हो, मतलब टिकटॉक इंस्टाग्राम उठाकर देखो, बॉब्स इज द किंग, यही चल रहा है भाई। खैर पिशावर और इस्लामाबाद के बीच में मैच हुआ, बलात्कार होते होते रह गया बाबर आजम का, जरा बात करते इसके बारे में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दो कि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। भाई साहब पिशावर जर्मी ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करने आए साय मयूब, बाबर आजम, दोनों ने बड़ी क्लासी बैटिंग की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और मेरे घंटे के फैंस को मैं इतना बता दूं, जिस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट बाबर आजम बैटिंग कर रहा था ना, ये पीएसएल की सबसे ज्यादा थकी हुई बॉलिंग लाइन है। हुनैन शाह, बताओ यार हुनैन शाह क्या है, हुनैन शाह ये इसका नाम कभी पहले सुना था, ये उसका मोहम्मद नसीम शाह का भाई है। इस बेचारे को एक ओवर में 22-23 रन मार के, मतलब भाई यहाँ पर टिकटॉक चल रही है, पोस्टें चल रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई ऐसे बॉलर्स को विराट कोहली रोजाना मजाक में आंख बंद करके यूं मारता है, ऐसे बॉलर को यशस्वी जायसवाल प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे बॉलर्स को रोहित शर्मा खाली मजाक और गालियां देने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर बाबर आजम साहब जो है, इनको लग रहा है कि हुनैन शाह को मार मार के इन्होंने कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड फतेह कर लिया, इन्होंने बहुत बड़ी आप कह लो अचीवमेंट हासिल कर ली के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करके। उसके बाद यहां पर जब बाबर ने सेंचुरी की, वैसे तो बहुत स्लो बैटिंग की लेकिन जब सेंचुरी कर ली बाबर आजम ने तो भाई खुशी देखने वाली थी। मतलब बाबर को दोबारा पैदा होने पे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी उसको इस सेंचुरी के ऊपर, क्योंकि भाई इस टाइम पर पूरी दुनिया जो है वो जान चुकी है बाबर आजम की हकीकत, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है, अपने लिए खेलता है। अच्छा पहले इसने बड़ी स्लो बैटिंग की, 42 बॉलों में 52 रन थे इसके, 42 बॉल्स में 52 रन। जब देखा कि भाई यंग बॉलर आ गए, अब बॉलर जो है वो हुनैन शाह है, ये इसने जो है शुरू कर दिया, कभी क्या मार रहा है कभी क्या मार रहा है। मतलब भाई बाबर की बैटिंग की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, बच्चों को मारा है। लेकिन मतलब ऐसे बाबर जैसे बंदे होते हैं जो बच्चों से बॉलिंग करवा के उनको छक्के मार के रील्स बना के इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, तो भाई बाबर आजम ने भी आज कुछ ऐसे ही किया है। जिस किस्म से उसने बैटिंग की आप जानते हैं कि भाई बच्चों हुनैन शाह को मार के बहुत बड़ी तोप बन गई है बाबर आजम। लेकिन जो भी हो बहुत बढ़िया इनिंग थी भाई, वाह वाह बाबर साहब आपने बहुत कमाल कर दिया। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पर मरते मराते पिशावर जर्मी पहुंचा 201 के ऊपर, 201 बहुत बड़ा टोटल था, बहुत ही शानदार था। लेकिन ये आजम खान को क्या हो गया, अबे किस ये है क्या चीज भाई, मजाक के अलावा ये वो साउंड है जिसको सिर्फ लाल कपड़ा देख के गुस्सा आता था, लेकिन इस बार बाबर आजम की शक्ल देख कर गुस्सा आ गया। पता नहीं क्या आ गया कि भाई अगले ने 30 बॉलों में 75 रन मार दिए, इसी ने हमारे आजम खान साहब ने, मतलब जिनको हम भैंस बुलाते हैं या बुलाते हैं भाई वो भी भैंस है, घंटा ही एक नंबर का, लेकिन फिर भी 30 बॉलों में 75 रन मार दिए। उस टाइम पे बाबर का सुसू सूख गया होगा भाई शलवार के अंदर के, ये क्या मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब एक टैगलाइन लगी हुई थी कि भाई जब भी बाबर आजम रन बनाते हैं पिशावर जर्मी या कोई भी टीम हार जाती है, और यहाँ पर यही होने लगा था। ऑलमोस्ट यहाँ पर बाबर आजम का बलात्कार कर दिया था हमारे खूबसूरत से आजम खान ने, जो कि खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई बड़े मुंह वाले और पता नहीं क्या चीज है ये। उसके अलावा जो है यहाँ पर बाबर आजम ने आरिफ याकूब को एक ओवर दिया जो कि नए लेग स्पिनर है जिन्होंने, हाँ बोलो आ रहे हैं वो बोल दो आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बाबर आजम साहब हैं इन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अच्छा जो आजम खान साहब हैं उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि उन्हें ये पिशावर जलमी के जो बॉलर्स हैं इनकी सांस अटका के रख दी। आरिफ याकूब नए बॉलर हैं जिन्होंने आकर थोड़ी बहुत जान लगाई और एक ही ओवर में 4 विकेट ली और बाबर आजम की इज्जत बच गई। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, ये पिशावर जलमी की किस्मत कोई अचानक से कोई काला मंत्र जादू किया होगा भाई, वरना ऐसे नॉर्मल ये ऐसे मैचेस कभी भी टीमें कमबैक नहीं करती हैं भाई। ये पिशावर जलमी ने कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी कि भाई पिशावर जलमी जो है वो शानदार तरीके से कमबैक करने में कामयाब हुई और मैच जो है वो घंटे आजम ने जीत लिया। लेकिन इसके फैन इस टाइम पे पागल हुए पड़े हैं, पिशावर जलमी और बाबर आजम के फैन इस टाइम पे बस सिर्फ पिशावर जलमी, बाबर आजम हमारा बाप है, ये है वो है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही है बाबर आजम के बारे में। भाई मैं कब कह रहा हूं कि उसने अच्छी बैटिंग नहीं की, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया बैटिंग की बाबर आजम ने भाई, जितनी तारीफ करो कम है। लेकिन आपको ये बता दूं
ये जो बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है ना, ऐसी सेंचुरी आंख बंद करके विराट कोहली मारता है, जायसवाल इन जैसे बॉलर्स को धोता है और रोहित शर्मा इन जैसे बॉलर्स को प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस के लिए यूज करता है। भाई ये कोई बड़े बड़े बॉलर नहीं थे इस्लामाबाद के। शादाब खान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तमिल मिल्स मतलब इंग्लैंड की टीम उसको बेचारे को घास नहीं डालती है तो वो पीएसएल में आकर खेल रहा है। हुनैन शाह, नसीम शाह भी इंजरी से वापस आए हैं, हुनैन शाह बेचारा नया इनएक्सपीरियंस लड़का उसको धो रहा है। मतलब भाई ठीक है भाई, अगर आप लोग को खुशी मिलती है ऐसी सेंचुरी देखकर जो कि बाबर आजम ने बनाई है तो आप लोग खुशी रहो, लेकिन मुझे पता है कि अभी आईपीएल को शुरू होने दो, जब बाबूजी मारेंगे ना आपकी सेंचुरी तब आपको पता चलेगा कि भाई होती क्या है सेंचुरी, तब आपको पता चलेगा कि बैटिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में सिर्फ और सिर्फ लेजेंड बॉलर्स खेलते हैं जो वाकई में लिविंग लेजेंड्स होते हैं। जैसे कि आप समझ लो भाई बड़े बड़े मिचेल स्टार्क खेलेगा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये होते हैं बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो के खेलेंगे और इनके खिलाफ जब आप सेंचुरी मारोगे तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बाबर आजम साहब पता नहीं कौन से ऐसे बॉलर को मार रहे हैं जिसको आधे से ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, बस अब मार मार के खुश हो रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रीले डाले जा रहे हैं। भाई इससे कुछ नहीं होता, अगर आपको वाकई में सेंचुरी बनानी है, वाकई में अच्छी इनिंग खेलनी है तो भाई साहब एक काम करो, थोड़ा सा यू नो सुकून से अपना सांस दिमाग ठंडा करो और देखो कि तुम मार किसके अगेंस्ट रहे हो। बड़ी बड़ी टीम, अच्छा यहाँ पर बाबर आजम ने जो है पेशावर जर्मी के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त खेला, क्या ये पाकिस्तान के लिए ऐसे नहीं खेल सकते हैं? क्या बाबर आजम में इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को जरूरत होती है, जब पाकिस्तान को चाहिए होता है कि भाई बाबर अच्छे रन स्कोर करें, तब ये घंटा जो है जीरो पे आउट हो जाता है, दस पे आउट हो जाता है, बीस पे आउट हो जाता है और अगर सेंचुरी भी मारते हैं तो स्लो स्लो करके मारता है, वहां पर तो इसकी बिल्कुल हवा निकल जाती है। यहाँ पर बच्चों के खिलाफ सेंचुरी मार मार के इसने पता नहीं कौन सी को दुनिया फतेह कर लिया, अजीबो गरीब सा चुतियापा ये बाबर आजम के फैंस ने भी लगाया हुआ है। अबे भाई एक बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 6 की 6 इनिंग के अंदर वो बंदा फेल हो गया, लिटरली 6 की 6 इनिंग में वो बंदा फेल हो गया, इंतहाई बकवास चूतिया किस्म की बैटिंग की थी और अभी यहाँ पीएसएल में बंदे ने आके सेंचुरी मार दी तो तुम लोग इतने खुश हो रहे कि भाई पता नहीं तुम लोग को क्या नए वालिद साहब मिल गए, तुम लोग ऐसा क्या तुम लोग को मिला क्या है बाबर आजम की सेंचुरी देखकर मुझे एक बात बताओ, क्योंकि लिटरली मैं तो मैच देखता ही नहीं हूँ पीएसएल का, मैंने बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि भाई थर्ड क्लास लीग है इंतहाई, मैं पाकिस्तान ये बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत ही बकवास लीग है, लेकिन कम से कम भाई मुझे स्कोरबोर्ड देखने के लिए और ऐसी चुतियों के लिए जो है वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़े बहुत मजबूरी में कुछ ना कुछ मैचेस देखने पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई यहाँ पर पेशावर जर्मी के फैंस को भी समझ आ गया होगा कि बाबर आजम क्या चीज़ है, इसके आज जो बाबर के रन थे ना वो गले की हड्डी बन गए थे, आजम खान और कॉलिन मनरो दोनों ने पकड़ पकड़ के मैं बोलूंगा कुत्ते की तरह मारा यहाँ पर पेशावर जर्मी के बॉलर्स को। लेकिन वो आरिफ याकूब यार क्या लेग स्पिनर है, मजाक के अलावा बहुत ही शानदार, बहुत आउट क्लासिंग, और मुझे लगता है कि बाबर आजम को बचाने वाला इस टाइम पे आरिफ याकूब है, उसी की वजह से बाबर आजम की इज्जत बची है, वरना आज सेंचुरी बनने के बाद भी पेशावर जलमी ने हार जाना था, ऐसी घटिया बैटिंग की है पेशावर जलमी ने। लेकिन खैर जो भी हो, ऐसी घटिया बॉलिंग की थी पेशावर जलमी ने, लेकिन जो भी हो भाई बाबर ने सेंचुरी बना दी, उनके बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां, बाबर के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि भाई आज ऐसा लगता है जैसे बाबर ने कोई दुनिया फतेह कर ली, कोई बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली। अबे ऐसी सेंचुरियां रोजाना गलियों में इंडिया में जाकर देखो तुम लोग, वहां पर बच्चे मारते रहते हैं। बाकी आप लोग को अगर अपनी कोई राय देनी है तो अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।